नमस्कार दोस्तों, बी एस एस सी सी जी एल फोर इसी के ऊपर जो है इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इसका वैकेंसी आपको पिछले कई एक महीनों में जो है नोटिस दिया गया है जीएडी के द्वारा या अन्य जो विभाग है उसके द्वारा, सेक्रेटरिएट के द्वारा, लेकिन अभी तक फाइनली जो है वैकेंसी नहीं आया हुआ है। ये आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो, 2 महीना 1.5 महीना, लेकिन वो वैकेंसी तो आना ही है, क्योंकि आपको ये 2024 चल रहा है इसमें ये वैकेंसी आपको आएगा। सितंबर अगस्त से लेकर के सितंबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये वैकेंसी का जो संख्या रहेगा वो 2500, मतलब अप्रॉक्स हो सकता है कि 100 से ऊपर नीचे, इतना अप्रॉक्स जो है जरूर रहेगा। इसमें आप लोग जानते हैं कि एएसओ का जो पोस्ट है, एएसओ का जो पोस्ट है बहुत ही शानदार पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो है एएसओ के लिए ही तैयारी करते हैं, चाहे वो मतलब बिहार का जो भी लड़का हो जो कंपटीशन के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, उसका ड्रीम जो है एक तरह से ये रहता है, एएसओ का जॉब रहता है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसको सचिवालय सहायक भी बोलते थे, अभी जो इसको बोलते हैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो दोस्तों इन्हीं सब विषय के ऊपर जो है अभी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा जो है आप लोग पेशेंस बना करके रहिएगा। इसमें क्या है ना कि इसमें जैसे जब हम लोग एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लड़के होते हैं जो कुछ नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छट जाते हैं, पीटी हो या मेंस हो, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा अखरता है, मतलब जो कंपटीशन में नहीं है दूर दूर तक, तो खैर उनके लिए जो है कोई मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, तो लेकिन जो लड़का बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है तो उसका जो है कुछ पॉइंट नंबर से छूट जाता है। अब जैसे इसमें जो है मैथ है, तो मोटा मोटी जो बिहार एसएससी या एसएससी का तैयारी करता है मैथ उसका सही रहता है। रीजनिंग भी जो है इसमें रीजनिंग में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत है, केयर इसलिए कि रीजनिंग में होता है क्या, कुछ ऐसा रीजनिंग आ जाता है 2-4-5 क्वेश्चन, जो मतलब वही क्वेश्चन के कारण जो है लड़का लोग का स्कोरिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बनाने सबको आता है, लेकिन एट ए टाइम मेन पॉइंट पे जा करके एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण से एक आध दो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है, या वो वहाँ पे लॉजिक जो है गलत लग जाता है, जिसके कारण से गलत हो जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग में कुछ चीज़ जो है आपको बेसिक्स के ऊपर भी जो है मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आपके आगे आइए जीके जीएस, और उसके बाद आता है आपको साइंस की बारी। ठीक है, जीके जीएस साइंस, तो देखिए नॉर्मली इसमें क्या है ना कि आप जब लूसेंट पढ़ते हैं या स्पीडी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे आप दोनों बुक से आप इसमें 70% क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है, 70% अप्रॉक्सीमेटली कवर हो जाता है जो बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से जो है क्वेश्चन कवर हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए 70% से ऊपर जो है, यहाँ ये सब बुक 70% तक जो है नंबर दे सकता है, वो भी आप गहन तरीके से पढ़े हुए हैं तब, गहन पूरा गहराई है उसमें ये सब बुक में, तब आपको 70% नंबर देता है। अगर मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से आना है और जो 25 क्वेश्चन है ये साइंस से आना है, तो ये जब आप लूसेंट स्पीडी ये सब आप पढ़ के जाते हैं, तो इसमें होता क्या है ना कि आपको 16 से 17 नंबर तक जो है इजिली जो है आ जाता है, लेकिन यहाँ से ऊपर जो है नहीं जा पाता है लड़का लोग, यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और यहाँ जीके जीएस में भी यही हाल है, जीके जीएस में ये है कि आपको 50 में से आप मोटा मोटी मान के चलिए 35 तक लड़का लोग चला जाता है, 35 तक, 35 से ऊपर जो है पॉसिबल मतलब बहुत दिक्कत होता है जाने में, और इसका रिजल्ट जो आने के लिए
आपको कम से कम जो है ना ये 35 वाला जो सेक्शन है ये इसको जो है 40 जरूर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो 16 से 17 है इसको इसको जो है आपको कम से कम जो है यहाँ पे आपको 22 से 23 जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 और ये 5, ये 10 से आपको जो 15 नंबर इसमें ये दोनों में हो गया, और 5 नंबर जो हो गया, 5 नंबर जो हो गया रीजनिंग में हो गया। ठीक है, यानी कि 15 से 20 नंबर मोटा मोटी अप्रॉक्स मान के चलिए। ठीक है, मैथ मोटा मोटी सबका जो है सही होता है। ठीक है, जिसका गलत होता है, जिसका जो है अगर मैथ में जो है आपको 100% नंबर आना चाहिए, अगर 100% से अगर कम आता है तो फिर आप उम्मीद हमको लगता है कि नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट में जो है एक एक नंबर जो है बहुत मैटर कर जाता है लास्ट में। तो देखिए, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक जो है आपको जो लड़का मतलब जिसका जैसे नया भी लड़का इसमें जो है ऐड हो सकता है, ये करने के लिए कि इसमें क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी का जो बुक है सिक्स्थ क्लास से लेकर के 10th क्लास तक इसको जो है ना कवर करना पड़ेगा, एसएसटी का पूरा बुक और दूसरा जो है साइंस का पूरा बुक। ठीक है, एसएसटी साइंस इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, सारा जो भी बुक आता है वो सारा बुक ये कवर करना पड़ेगा। तो इसमें जो है ऐसा मतलब एक एक तरह से कह सकते हैं जो बेसिक बहुत ही इसमें बढ़िया है, इस अगर बुक पढ़ लेने के बाद बेसिक्स जो है आपका बहुत बढ़िया हो जाता है तो 5 से 7 नंबर यहाँ से जरूर आपका जो है जीके जी इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो इसको देखिए, अभी जो भी लोग जो भी यूट्यूब पे या जो भी पढ़ा रहे हैं लोग उन लोगों को देखते क्या है ना, अधिकांश को हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक आध होंगे जो अपना अलग तरीके से पढ़ा रहे होंगे, अभी देखे नहीं है, लेकिन हाँ अधिकांश को हम ये देखते हैं कि एक नंबर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है लिख करके, ऑब्जेक्टिव एक नंबर का आ जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और उसी में से आपको चुन करके बता रहे हैं। तो इस टाइप से जब आप करते हैं तो हमको लगता है कि वो तैयारी का जो सही मायने में जो होता है ना वो बारीकी वो आपके अंदर जो है नहीं आ पाता है, वो आप जो है उस चीज़ से दूर रहते हैं, वो जो तैयारी का बारीक होता है। तो हम इसी के लिए दोस्तों एनसीईआरटी का जो है पूरा कवर करने के लिए ये आपको एनसीईआरटी का जितना सारा मतलब 6ठा क्लास हो गया, 7वां क्लास हो गया, 8वां क्लास हो गया, 9वां क्लास हो गया, 10वां क्लास हो गया, 5 क्लास का पूरा जो है साइंस का बुक, उसके बाद में आपको एसएसटी इसी में सारा कुछ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स जितना सारा होता है वो मैथ आपको वहां से करने का जरूरत नहीं है, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स तो आपको रेगुलर का चीज है, रेगुलर आपको जो है आधा घंटा करेंट पे देना ही देना है, क्योंकि वहां पे जो 7 से 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो चीज जब तक आप डेप्थ में नहीं आपका करेंट रहेगा तब तक जो है होगा नहीं। तो इसी के लिए दोस्तों हम एक जो है ना आप स्पेशल जो है एनसीईआरटी का हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल एनसीईआरटी बैच के नाम से। ठीक है, स्पेशल एनसीईआरटी बैच जो कि आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का जितना सारा जो एनसीईआरटी का जो बुक है हम इसको जो है ना कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है एकदम आराम से उसको पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे, ये भी नहीं है कि हम आपको 2 महीने में खत्म कर देंगे, ये एकदम हम नहीं बोलेंगे, हम आपका टारगेट जो है कम से कम ना 5 से 6 महीना लेकर के चलेंगे, कम से कम बोल रहे हैं कि 5 से 6 महीना तक, क्योंकि आपको ये जितना जल्दी सोचते हैं ना कि जितना जल्दी उसको पढ़ ले उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा जो है आपको तकलीफ होता है, उतना ही ज्यादा और आपको टाइम लगता है। तो दोस्तों हम जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लड़के जो है ऑलरेडी जुड़ने के लिए बोल भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको जरूर कोशिश कीजिए जुड़ने का, क्योंकि आपको इसमें जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है।
और ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल बिहार एसएससी को ही, जो अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, दरोगा का एग्जाम देते हैं या और कोई भी एग्जाम देते हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा जो है ना अलग से डेली एक घंटा आपको करना है, एक्स्ट्रा जो है डेली एक घंटा अलग से आपको ये क्लास जो है चलेगा, केवल संडे को गैप रहेगा, बाकी सब दिन जो है डेली एक घंटा का जो है इसमें वीडियोज आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसको जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, इसका जो चार्ज हम रखे हुए हैं ज़्यादा नहीं रखे हुए हैं, 999 रुपया रखे हुए हैं फी, ठीक है। पहले हम इसका जो है फी ज़्यादा रखे थे 1999, लेकिन यहाँ से जो है इसको काट करके 999 रखे हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंटिन्यूस जो है एक दो दिन का चीज़ नहीं है, हम इसमें 6 महीना तक आपके साथ जो है मेहनत करेंगे और पूरा एक एक पॉइंट पर जो है डिस्कशन करा करके कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है निकलवाने का। और आपको देखिए इसके साथ क्या मिलेगा, ये तो आपको हो गया जीके जीएस एनसीईआरटी का, प्लस में जो है प्लस आपका जो करेंट अफेयर्स आता है, मंथली जो करेंट अफेयर्स आता है या सप्ताह में साप्ताहिक जो है ना, हम एक लंबा वीडियो बना करके आपको देंगे। मतलब ये नहीं कि एकदम पूरा भर भर के, एकदम बढ़िया से करेंट अफेयर्स जो होता है ना टॉपिक वाइज वो चीज़ कराएंगे, ठीक है। इसी में आपको रहेगा, उसके बाद जो है मैथ इसके साथ आपको हम पूरा कराएंगे, मैथ हो गया, ठीक है। रीजनिंग का जो नया नया चीज़ जो भी आपको आ रहा है, जो अभी पूछा जा रहा है सेंट्रल सीजीएल में या बिहार के कोई भी एग्जाम में, जो रीजनिंग आपसे जो है एक्स्ट्रा, देखिए इसमें होता क्या है कि आप लोग ऐसा नहीं कि नहीं जानते, आप लोग सारा कुछ जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो है खेला पलट देता है, 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं। तो जितना नया नया क्वेश्चन आ रहा है, जो जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, नॉर्मल तो सब बनाता है, लेकिन कुछ कोडिंग डिकोडिंग ऐसा होता है जो आपको एग्जाम में जो आजकल आ रहा है उसके लिए अलग से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ये बैच स्पेशल बिहार एसएससी का है, लेकिन इसमें क्या है कि ये करने से आप कोई भी एग्जाम जो है बढ़िया से उसको दे सकते हैं, उसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, कहीं कोई आप दरोगा का दीजिए, बिहार पुलिस का दीजिए, या कोई बीपीएससी का दे रहा हो बीपीएससी का दे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। यही सब चीज़ है दोस्तों, और जिनको ज्वाइन करना होगा वो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं 7250005616, ये मेरा यूपीआई का नंबर है प्लस मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये यूपीआई प्लस व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इसी पे आपको जो है 999 का क्या करना है, पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू, और व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे। उसके बाद जो है हम आपको बैच में एंट्री देंगे और वो कंटिन्यूस जो है चलेगा आपको 6 मंथ, और पूरा जो है जो एनसीईआरटी है ना वो हम कवर कराएंगे, एक एक पॉइंट 6ठा से लेकर के 10वां क्लास तक का, जितना सारा एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक आता है या एनसीईआरटी जितना सारा चीज़ है उसको जो है पढ़ना है। और हाँ एक चीज़ और बता देते हैं कि आप पूछिएगा कि मीडियम क्या होगा पढ़ने का, ठीक है, कि ये पढ़ाइएगा जो इंग्लिश में पढ़ाइएगा हिंदी में पढ़ाइएगा, तो देखिए भाई बुक इंग्लिश में भी होता है इसका, हिंदी में भी होता है, तो हम इसका जो है ना सेमी लैंग्वेज लेकर के चलेंगे, ठीक है, सेमी लैंग्वेज लेकर मीडियम चलेंगे, इसमें आपका हिंदी हिंदी मीडियम भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश का जो टर्म होता है ना वो यूज करेंगे, ठीक है, इंग्लिश का जो टर्म होता है वो यूज करेंगे, बाकी जो है सारा कुछ समझाएंगे आपको हिंदी में ही, ठीक, यही चीज है। और आप लोग जुड़ सकते हैं आप अपने बेहतरीन भविष्य के लिए, आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जी दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।